देखो आप शादी करके बीवी को घर पे लेकर आते हो, बच्ची को घर पे लेकर आते हो, एक सेकंड के लिए आप सोचो, मैं अगर किसी के घर में जाकर रहूं, मैं पर्सनली किसी घर में, मेरे लिए मुश्किल हो जाए यार, मर्द हूं, किसी के घर में, किसी और के घर में जाकर रहना, और ये हो गया यहीं रहना है, वहां मेरा अपना कमरा, मेरे अपने माँ बाप, सब सब छोड़ छाड़ के यहां आ गया, क्या सिर्फ एक इंसान के कहने पर, उसको सामने रख के, शौहर के कहने पर मैं आ गई घर, ठीक है ना, वो लड़की घर आ गई। अब शौहर उसको पहली बात क्या कहता है, बदकिस्मती से कहता है, सुनो मेरी फिक्र ना करना, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, भाई क्यों तुम किसी नौकरानी को लाए हो गया, वो तुम्हारा तुम्हारे माँ बाप का ख्याल क्यों रखे, तुम उसके माँ बाप का ख्याल रखने को तैयार हो क्या, हाँ ये सिर्फ बैठे सारे मौलवी, तुम में से कौन है उसके माँ बाप का ख्याल रखने वाला, हाँ तो अरे उसका तेरा भाई किस लायक काम के लिए, भाई वो रखे माँ बाप का तेरे ख्याल, वैसे ही वो तुम्हारे माँ बाप का क्यों ख्याल रखे, जब इतनी मोहब्बत दो उसको, इतनी मोहब्बत दो उसको कि तुम्हारी मोहब्बत में वो डूब कर अब कहे कि शोहर को खुश रखना है तो इसके माँ बाप की मैं कड़वी कुसैली सुन लेती हूँ। हाँ और ये बहू का और सास का रिश्ता ये अजल से अब तक, हाँ अजल से लेकर अब तक ऐसे ही है जैसे दो शीशे के बर्तनों का आपस में मिलना है, तो ये इन्होंने इन्होंने शोर जरूर मचाना है जब ये साथ